यार पता नहीं मम्मी ने मुझे किस लड़के से मिलने भेजा है। देखियो आसपास कोई गाड़ी दिख रही है। अरे वो तो नहीं। कहाँ? वो डिस्कवरी। चल यार देख तो सही कितनी सही कार है। मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। ओए जिसकी है गाड़ी या तुम? साकिब। हाँ तुम्हारी मम्मी ने बताया होगा ना मेरे बारे में। तो ये गाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं ये गाड़ी तो मेरी नहीं है। अरे क्या हुआ यार? ये मम्मी ने किससे मिलने भेज दिया? ये तो कोई मैकेनिक सा लग रहा है। मुझे तो लगा था ये गाड़ी इसकी है। अब आए हैं तो बात कर लेते हैं ना। क्या बात करूं मैं इससे अब? रिया क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अबे ओ बात सुन मेरी। मेरी मम्मी ने बोला था मिलने के लिए इसलिए आ भी गई वरना आती भी नहीं। अगर मुझे पता होता तेरे बारे में मुझे तो लगा था ये तेरी गाड़ी है। क्या बोले जा रही है प्रिया? क्या पता कोई मजबूरी हो? अरे तो इतनी मजबूरी है तो लड़की क्यों ढूंढ रहा है? रिया तुम गलत समझ रही हो। सब समझ रही हूँ मैं। तू और तेरे परिवार वाले मिलके ना मेरी मम्मी को बेवकूफ बना सकते हैं मुझे नहीं। रिया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पता है उनको बोला गया है कि लड़के का खुद का बिजनेस है और दिख रहा है कौन सा बिजनेस है। रिया और पता नहीं क्या क्या झूठ बोला गया होगा उनसे। रिया सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की हो गई थी मैं क्या करता। अरे भाई कोई नहीं मिला यार दूर तक। कुछ हुआ क्या? हाँ वो एक वायर हिल गई थी मैंने ठीक कर दिया। तुम स्टार्ट करके देखो। हो गई भाई थैंक यू। बाय द वे ये तुम्हारे लिए लाया। हटा इसे बहुत हो गया तेरा। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो तुझसे शादी करूंगी और अपनी लाइफ बर्बाद करूंगी। मम्मी ने भी पता नहीं किससे मिलने भेज दिया मुंह उठा के। चल समरीन। किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। सुनो प्रिया जो चीज जैसी दिखती है ना ऐसी होती नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हें पहली बार में ही जान गया। काश तुमने भी थोड़ी सी मुझे जानने की कोशिश की। कैसी कोशिश? वो जो यहाँ से गाड़ी गई ना वो मेरी नहीं थी। वो जो खड़ी है ना वो गाड़ी मेरी है। पर वो गाड़ी तुम ठीक क्यों कर रहे थे? क्या हो गया भाई? यार स्टार्ट ही नहीं हो रही यार भाई पता नहीं क्या हो गया। यार तुम एक हेल्प करोगे? दो मिनट यहाँ खड़े हो जाओ मैं ना मैकेनिक बुला लूँ। बिल्कुल यार। सॉरी साकिब मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। अच्छा हुआ तुमने मुझे आज ही गलत समझा। आइए आइए। क्यों भाई जब पैसे देने की बारी आई तो फोन उठाना ही बंद कर दिया? हाँ अब तो मुझे पैसे नहीं तेरी बहन चाहिए। याद है ना तुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसमें तूने साफ साफ लिखा है कि अगर एक महीने के अंदर तूने मुझे मेरे पूरे पैसे वापस नहीं किए तो तू अपनी बहन को एक महीने के लिए मेरे साथ मेरे घर में छोड़ के जाएगा। तो अब तो मुझे पैसे नहीं चाहिए अब मुझे तेरी बहन चाहिए। चल छोड़ के जा इसे।
अरे आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। छूने की कोशिश मत करियो, तूने हमें कर्जे में करके मुझे पा तो लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे साथ सोऊंगी। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि एक महीना तेरे साथ रहूंगी, जो बोलेगा वो करूंगी, अगर छूने की कोशिश की ना तो हाथ तोड़ दूंगी, समझ में आया? मैं क्या कर सकता हूँ अब, आप ही ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मेरी बहन आपके पास एक महीना रहेगी, सो रह रही है, इससे अलग तो नहीं आपने कुछ लिखा था? अच्छा राय, कि मैंने तुझे 2 लाख रुपए उधार दिए और एक काम वाली रख ली, और वो भी इतनी महंगी। सो आप जानो अब। बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये ले तेरे 2 लाख और हेल्प करने के लिए थैंक यू, चल भाई। और हाँ, तूने ये मेरे साथ सही नहीं किया, और इस बात का बदला ना मैं तुझसे लेके रहूंगा। अच्छा, तूने ही सही किया हमारे साथ, तूने भी तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। और हाँ, जब हमारे पापा बीमार थे और मैं तेरे पास पैसे लेने के लिए आया था, तो तूने क्या शर्त रखी थी? अगर मैं तेरे 1 महीने में पैसे नहीं, मेरी बहन तेरे पास 1 महीना रहेगी। अबे लड़की है वो, बहन है मेरी, कोई सामान नहीं कि तेरे पास गिरवी रख दूँ। और हाँ, मैंने ही बोला था उसे तेरे पास 1 महीना रहने के लिए, ये भी मैंने ही कहा था कि तुझे अपने आप को छूने ना दे। पैसे किस बात के, मैं रह तो ली 1 महीना तेरे साथ, चल भाई।